हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस कुमार, आप देख रहे हैं आईसी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दिखाएंगे आप पीएमईजीपी लोन का स्टेटस आप घर बैठे कैसे चेक करेंगे कि आपका काम हुआ या नहीं। जब हम अपना पीएमईजीपी लोन अप्लाई किए थे, उसके एक महीने के बाद हमको मैसेज प्राप्त हो गया, मेरा जो लोन है वो खादी बोर्ड से पास हो चुका है और पास होने के बाद वो वेरीफाई के लिए बैंक ब्रांच में भेज दिया गया है। जो ब्रांच का नाम, जो बैंक का नाम हमने ऑनलाइन करते वक्त भरे थे, उस बैंक ब्रांच में भेज दिया जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो आप अंत तक पूरा देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से आप घर बैठे ही कर सकते हैं, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 35% तक सब्सिडी मिलता है और ये लोन आपको 10 लाख से 25 लाख तक ये मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं जब ये लोन पास होकर आ जाता है खादी बोर्ड से, उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है और आप कैसे चेक करेंगे कि आपका लोन पास हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, वो सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो आप अंत तक पूरा देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएमईजीपी के लिए यहाँ ऑनलाइन आवेदन किए थे और एक महीने के बाद मेरा अप्रूव हो चुका है, जो पीएमईजीपी बोर्ड के द्वारा, खादी बोर्ड के द्वारा अप्रूव हो गया है और वो बैंक ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गया है, फॉरवर्ड हो गया है। इसके बाद हम सारा डॉक्यूमेंट को उस बैंक ब्रांच में जमा करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं स्टेटस आपको कैसे चेक करना है कि आपका अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ या अभी सबमिट दिखा रहा, सारा डिटेल आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन फॉर्म फॉर रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपका जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए नाम आ चुका है, यानी कि ये सही है। उसके बाद देखिए करंट स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास इस तरह से पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट स्टेटस लिखा हुआ है, फॉरवर्डेड टू फाइनेंसिंग ब्रांच, यानी कि यह फॉरवर्डेड हो चुका है ब्रांच में। जो ब्रांच हम यहां पर ऑनलाइन करने समय दिए थे, वो ब्रांच में यह फॉरवर्ड होके आ चुका है खादी बोर्ड के द्वारा। तो यानी कि खादी इंडिया से पास होके ये बैंक ब्रांच में भेज दिया गया है। तो इसी तरह से आप भी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम एक और एप्लीकेशन का स्टेटस आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए उस एप्लीकेशन का यहाँ पर यूज़र आईडी या पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। जो एक और एप्लीकेशन है उसे हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर करंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये सबमिटेड टू एजेंसी लिखा हुआ, यानी कि अभी ये एजेंसी में जमा है, खादी बोर्ड में जमा है, ये बैंक ब्रांच में फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन दबा कर रखें जिससे आपको नया अपडेट मिल सके। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।